अच्छा, मेरा नाम शमाला कोसर है और आज मैं आप सबको अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ बेसिकली मैं जो मेरा ताल्लुक है ना वो आजाद कश्मीर से है और अपनी एफ एस कम्प्लीट करने के बाद जो है मैंने अपनी जो फील्ड चुनी वो ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी की फील्ड चुने ना जिसके लिए जो मेरा एडमिशन है वो रावला कोट यूनिवर्सिटी में हुआ और उसके बाद मेरी जो लाइफ का जो मेरी लाइफ कैरियर जो है वहाँ से स्टार्ट हुआ ना तो वहाँ से ये है कि मतलब कि मेरे जो हमारे जो एच थे वो हमारे डॉक्टर मोहम्मद अकरम थे और उनके सुपरविजन में हमने अपनी जो डिग्री वहाँ से कंप्लीट की रावला कोट में ना तो उसके बाद ये अपने पूरे कैरियर में मेरी फर्स्ट पोजीशन आती थी उससे लेके फर्स्ट ईयर से लेके एंड ऑफ डिग्री तक ना थ्रू आउट मेरी फर्स्ट पोजीशन मैंने हासिल की और उसके साथ साथ मैंने जो है वो मेरिट स्कॉलरशिप हासिल किया ना एट द एंड मुझे इसमें गोल्ड मेडल नहीं मिला अपनी डिग्री में मैं अपनी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ उसके अलावा ये है कि वो मतलब टीचर मेरे बाकी जो टीचर्स थे वो भी बहुत मेरा मतलब जो तो अपना कैरियर का स्टार्ट था वो बहुत अच्छा रहा और उसके बाद फिर उसके बाद मैं हाउस हाउस अप करने आ गई लाहौर में कशी कशी के साथ एक साल की हाउस अप मुकम्मल की ऑलमोस्ट टू 2014 का बैच था मेरा और 2015 में मैंने हाउस अप स्टार्ट की जो कि 2016 में कंप्लीट हो गई अब 2016 में हाउस अप कंप्लीट करने के बाद जो है वो मैंने एम में एडमिशन लिया इधर यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में और मैंने माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड को चूज किया फर्दर इस पे इसको इस फील्ड को आगे कंटिन्यू करने के लिए क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था माइक्रोबायोलॉजी में और माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट जो हमें पढ़ाया था वो डॉक्टर मोहम्मद अक्रम ने पढ़ाया था जो कि उस टाइम मतलब कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वे, मतलब के इसको गाइड किया था और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था जिसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा डेवलप हो गया था इसी सब्जेक्ट के अंदर ना और वहीं से मुझे ये जब मैं अपना बी एम एस कर रही थी और उसी टाइम मेरे अंदर ये विश पैदा हुई थी कि मैं बी एम एस करने के बाद जो फर्दर कंटिन्यू करूंगी अपना एम फिल मीएचडी माइक्रोबियोलॉजी के अंदर ही करूँगी उस सब्जेक्ट में मुझे बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो, मतलब हो गया था ड्यूरिंग अपनी कैरियर में मतलब कि जब बी एम एस के दौरान ही मुझे इसमें इंटरेस्ट पैदा हो गया तो और मैंने अच्छे मतलब इसमें डिस्टिंक्शन ली थी इस सब्जेक्ट के अंदर मेरी भी डिस्टिंक्शन थी लेकिन ये है कि मैंने इस सब्जेक्ट में स्पेशली में डिस्टिंगशन आई थी और मतलब कि अच्छे मार्क्स क्योंकि जो सर का वे ऑफ टॉकिंग था ना और जो सर का वे ऑफ टीचिंग था जिसकी वजह से मेरा मजीद इंटरेस्ट इस फील्ड के अंदर डेवलप हो गया था और वहीं से मैंने इसका इरादा किया था कि इन इसके बाद फौरन मैं इसी में ही फर्दर अपना जो है स्पेशलाइजेशन जो है ना उसी इसी सब्जेक्ट के अंदर कम्पलीट करूँगी उसके बाद हाउस ऑफ के फौरन बाद 2016 में मैंने अपना एम फिल कैरियर स्टार्ट किया यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से जो है ना वहाँ पे मैंने वो मेरा जो एम था वो भी दो साल के पीरियड में ही कंप्लीट हो गया और जो है उसमें भी मैं उसमें भी मेरी हाईएस्ट मार्क्स थे और उसमें ये है कि मेरी थर्ड पोजीशन थी एम में ना वहाँ से मैंने ब्रॉन्ज मेडल लिया और

लाहौर में और मतलब वहां मतलब की, मेरे, मेरे की डिग्री के बेस के ऊपर के के हो गई लेबोरेटरी में एज अ प्लांट हेड और अभी भी मैं जो जॉब है ना वो साथ कर रही हूँ प्लांट हेड के तौर पे और मतलब साथ में ये है कि आर एंड डिपार्टमेंट में भी काम कर रही हूँ हम न्यू सी न्यू मेडिसिन के ऊपर काम करते हैं और कुछ डिजीजेस के ऊपर और काफी सारी मैंने मेडिसिन बनाई भी है आर एन डी डिपार्टमेंट के अंदर ना उसके बाद 2019 में मैंने एम में पीएचडी uh, में सॉरी एडमिशन ले लिया यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में और जब मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में अप्लाई uh, किया था और टेस्ट दिया था उस टाइम मैं सेकंड मेरिट लिस्ट में मेरा सेकंड नंबर पे थी मतलब जो फर्स्ट थ्री स्टूडेंट्स थे ना उसमें से मतलब के पहला भी डॉक्टर था और थर्ड नंबर वाला भी एमबीबीएस डॉक्टर था और पहला नंबर वाला बी एम बीबीएस था और उसके अलावा जितने भी लोग थे ना उसने टू एट जो स्टूडेंट थे जिनका एडमिशन हुआ था जिनमें से वायद मैं थी जो बी थी और मैं सेकेंड नंबर के ऊपर थी और मैंने उसमें सेकेंड टॉप किया था उस लिस्ट के अंदर ना बाकी सबके सब लोग जितने भी थे वो एम डॉक्टर्स थे उसके बाद मैंने मतलब के पी एस जॉब के साथ से पी एच डी भी करती रही और अलहमद फिर मेरा कोर्स भी कम्पलीट हो गया उसके उसमें भी मेरे हाइस्ट सी जी पी है उसके बाद मैंने ये अपना रिसर्च वर्क स्टार्ट कर लिया अब रिसर्च वर्क में ये है कि मेरा सनेप्सिस कम्पलीट हो चुका है और इस इस टाइम मैं अपना रिसर्च मतलब के ना उसके ऊपर काम के मैं असल में करना चाह रही हूँ एंटी कैंसरस जो मेडिसन है ना उनकी डिवेलपमेंट करना चाह रही हूँ एंडोफाइटिक फंजाइल के थ्रू सनफ्लावर प्लांट से लेके ना मतलब बेसिक मेरी जो है ना अब इस रिसर्च वर्क और टॉपिक सिलेक्शन में और में सिनेप्सिस जो मेरी पूरी हेल्प की वो मेरी एक सुपरवाइजर है सर हैं डॉक्टर मोहम्मद अकरम जो कि शुरू से ही मेरे साथ सपोर्टिव रहे हैं और अभी तक उन उनकी कोलैबोरेशन से मैंने बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल पब्लिश किए हैं उसके अलावा रिव्यू आर्टिकल पब्लिश किए हैं उनके साथ एक उनके साथ काम करके एक बुक पब्लिश की हुई है और उसके अलावा ये टॉपिक सिलेक्शन से लेके अभी तक जो जहाँ पे भी हर मामले में जो मेरा मेरे जो सपोर्टिव टीचर है वो है डॉक्टर अकरम जो है वहां से लेके अपने बी एम एस कैरियर से लेके एम फिल से लेके और एंड डिग्री के पीएचडी तक पहुंचने में सर की मुझे बहुत सपोर्ट हुई है और अभी भी जहां पे मतलब के अभी स्टेज पे मैं खड़ी हूँ अभी भी सर की सपोर्ट है मेरे साथ ना और मैं मतलब के जब पीएचडी से एडमिशन लिया था तब से लेके अभी तक

आ, अप, अपनी फील्ड में मोटिवेटेड रहें और अच्छे टीचर्स का साथ कभी भी ना छोड़ें ये आपको पूरी लाइफ आपकी लाइफ बन जाती है अगर आपको कोई लाइफ में अच्छा टीचर मिल जाता है और दूसरी बात ये है कि अपनी फील्ड सबसे पहले अपनी फील्ड से सेटिस्फाइड हो जाए अगर आपने जो फील्ड चुनी है ना आप उस पर सेटिस्फाइड हो जाए क्योंकि अल्लाह तला ने आपको चुना है और अल्लाह ने आपको ये फील्ड अता की और आप आप इसको एक्सप्लोर करें आप बहुत बहुत आगे जाएंगे और मैं अपनी फील्ड से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ मुझे मतलब के हर जगह एक अलग नाम एक अलग पहचान से मैं जाना चाहता है चाहे वो यूनिवर्सिटी के अंदर है चाहे वो मेरी जॉब की लोकेशन है चाहे कहीं पे भी है एक अलग सी पहचान है मेरी तो बी की बेस के ऊपर मैं मतलब के मैं अपना नाम बना मेरा और अपनी पहचान बने ना और मैं अपनी फील्ड से बहुत ज्यादा से सेटिस्फाइड हूँ सबसे पहले आप ये करें कि आप अपनी फील्ड से सेटिस्फाइड हो और उसके बाद आप अल्लाह ताला आपके रास्ते खोल खोलते जाते हैं जो लोग अपनी फील्ड से सेटिस्फाइड नहीं होते वो लोग लाइफ में कभी कामयाब नहीं होते इसके अलावा ये है कि मैं आगे भी लोगों को यही मशवरा दूंगी कि अपनी फील्ड मतलब बी एम एस एक बहुत ही एक आ, वर्थेबल फील्ड है जो है ना और नेक्स्ट भी, मतलब भी यही है मतलब काफी सारी मेरी लाहौर के अंदर ही कर रही है मतलब और अच्छी अच्छी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में गई हैं और अच्छी अच्छी पोजिशन पे सेट हैं मतलब तो ये है कि बी एम एस वाले बच्चे जहां भी गए ना मैंने एक चीज यहाँ से देखी है मैं मतलब किसी का कोई कंपेरिजन नहीं करना चाह रही

किसी अपने अपनी, अपनी फील्ड से, से सेटिस्फाइड है आप मेहनत करना चाहते हैं आपकी फील्ड आपकी कोई भी फील्ड अच्छी कोई भी फील्ड बुरी नहीं होती आपकी लक होती है और आपकी मेहनत होती है जो आपको आगे लेके जाती है तो अच्छे टीचर्स का साथ ये एक ब्लेसिंग होती है अल्लाह ताला की कि आपको शुरू से ही एक मतलब कि एक ऐसा टीचर या एक ऐसा रहनुमा मिल जाता है उंगली पकड़ने वाला जो कि आपको आगे पूरी लाइफ में आपकी लाइफ बन जाती है और ये भी अल्लाह ताला की ब्लेसिंग होती है कि आपको अच्छा टीचर मिल जाए इसलिए Uh, सब टीचर्स के साथ साथ जो स्पेशल थैंक मेरा डॉक्टर मोहम्मद अकरम को है सर थैंक यू सो मच आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी सपोर्ट है और आज भी पीएचडी तक पहुंचने तक और इसके मुकम्मल होने तक भी आगे, आगे आपकी ही सपोर्ट है न और थैंक यू सो मच फॉर ऑल जी जिन्होंने मुझे सुना थैंक यू सर थैंक यू सर सर मैंने बताया कि सुपरवाइजर वन जो है वो डॉक्टर फातिमा मेरीम है वो डॉक्टर मोहम्मद जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से ना और मैंने ये भी ये, ये मैं जिक्र कर चुकी हूँ कि जो अभी मैं जो कुछ भी हूँ डॉक्टर मोहम्मद अक्रम की वजह से हूँ जो है ना और मैं यही कह रही थी कि जो मेन सपोर्टिव है वो मेरे सर मोहम्मद अक्रम ही है क्योंकि मेरी मतलब मेरी विश ये थी कि मैं सुपरवाइजर वन पे उनको लेके आऊँ लेकिन सिर्फ ये यूनिवर्सिटी के रूल्स थे जो है ना और अभी भी जो भी कुछ कर रहे हैं वो सर अक्रम ही मेरे लिए कर रहे हैं टॉपिक की सिलेक्शन से लेके की अप्रूवल से लेके हर जगह सर ने ही मेरा सर ने ही मेरे सपोर्ट किया और आगे जो मैं रिसर्च वर्क उसमें भी सर ही मुझे सपोर्ट कर रहे हैं ना और जी सर थैंक यू सर थैंक यू सर अल्लाह हाफिज